हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान की ग्लोरी ने या फिर यू कहो कि जवान की हाइप ने अपने टाइम में आने वाली बहुत सी फिल्मों के प्रमोशन को उनके लॉन्च को खा गए। कैसे? जब से जवान आई है इस बीच बहुत सी मूवी के ट्रेलर आए, बहुत सी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं और कुछ एक मूवीज भी रिलीज हुई थी। और जो ट्रेलर रिलीज हुए मैं बताऊँ तो कोई छोटी मोटी मूवी के ट्रेलर रिलीज नहीं हुए थे, नामी जानी मूवी रही हैं, उनके सिक्वल आ रहे हैं, बड़े बड़े नामी जानी एक्टर्स की मूवी आ रही हैं, लाइक विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली के ट्रेलर की कहीं बात ही नहीं हुई, अक्षय पाजी की मिशन रानीगंज की भी कोई बात नहीं हुई, स्कैम 2003 सीरीज ये बेस्ट सीरीज लगी मुझको तो इसकी कोई बात नहीं हुई, फुकरे 3 का ट्रेलर आया, मोस्ट फेमस कॉमेडी मूवी ऑफ बॉलीवुड, इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट को ही लोगों ने तीन तीन चार चार बार देखा रखा होगा तो इसकी कोई बात नहीं, इसका ट्रेलर आया और निकल गया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी मूवी के ट्रेलर आए और पता भी नहीं चला। सेम एक्वामैन 2 का ट्रेलर आया और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला होगा, तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना ऐसी प्यारी प्यारी फिल्मों के आपको हाथ से निकलने नहीं देंगे। तो आज बात करेंगे वर्ल्ड फेमस सिक्वल की, एक डीसी से सीधा एक्वामैन 2 यानी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ट्रेलर की बात करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त निकाला है। दोस्तों आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 5 साल के बाद, लंबे गैप के बाद एक्वामैन का सिक्वल इस दिसंबर यानी 2023-21 दिसंबर को आ जाना है। जहां तक मुझे याद है लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने जो तबाही मचाई थी सुपर हीरो वाली दुनिया में जबरदस्त था। तो भाई साहब मैंने ना इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ट्रेलर को देख लिया है, मुझे ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लगा। हालांकि जब फर्स्ट पार्ट आया था मज़ा तो आ गया था तब भी, और मैं भी सेकेंड पार्ट के लिए वेट कर रहा था। मूवी को इंडिया में 4 भाषाओं पर रिलीज करा जाना है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, और इसका ट्रेलर अभी 4 से 5 दिन पहले ही आया था, लेकिन वर्कलोड की वजह से तब मैं आपको बता नहीं पाया था, लेकिन आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मूवी में मजा तो आने वाला है क्योंकि अपने लीड एक्टर मोस्ट हैंडसम पर्सन गेम ऑफ थ्रोन से सीधा खाल ड्रोगो उर्फ जेसन ममोआ सेकंड पार्ट में किंग बना दिए जाएंगे। कहां से? अटलांटिस से, जहां पर इसकी भिड़ंत होने वाली है ब्लैक मांटा से, जो खूंखार मर्सिनरी तो है ही साथ में ब्रूटल पायरेट भी है, जिसने कसम खा रखी है कि एक्वामैन उसके परिवार की धज्जियां उड़ा देगा। और इस बार यह बंदा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों के साथ टूट के बरसने वाला है और वो ट्रेलर में देख भी लग रहा है। और दूसरी तरफ हमने एक्वामैन अब एक बाप हो चुका है, एक पति बन चुका है और एक राजा तो ये बन ही चुका है, जो ट्रेलर में सीधा पता लग रहा है। तो ऐसे में इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में पावरफुल विलेन से ये कैसे टैकल करेगा, ये बड़ा मजेदार किस्सा होने वाला है। दूसरी तरफ अपने भाई के साथ जिससे फर्स्ट पार्ट में अनबन रहती है, अरे वही फॉर्मर अटलांटिस किंग आका ओम उर्फ पैट्रिक विल्सन, जिससे फर्स्ट पार्ट में बनती नहीं है अपने एक्वामैन की, तो वो एक्वामैन के साथ देने वाला है ब्लैक मांटा को हराने में, उसको डिफीट करने में, जो अपने बाप का बदला तो लेना चाहता है, साथ में अटलाना की पूरी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है। अटलाना कौन? अपने एक्वामैन की माता जी, मतलब निकोल किडमैन। हाँ, एक कैरेक्टर तो मैं भूल ही गया, और मैं क्या, खुद डीसी वाले ही भूल गए, इस चटक सुंदरी का नाम अपने पूरे 2 मिनट 46 सेकंड के ट्रेलर में डालने से। कौन? अरे अपनी मेरा एक्वामैन की सेटिंग इन द मूवी एज रोल, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गया था एक बार के लिए, तो एम्बर हर्ड के साथ तो असली स्कैम कर दिया। मैंने जब ट्रेलर अच्छे से देखा तो शायद 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया होगा ढंग से एम्बर हर्ड को, तो भैया अपने कर्म की करनी यहीं भुगत के जाना पड़ता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और ख़त्म करने से पहले मैं एक जबरदस्त थ्योरी या प्रिडिक्शन कह लो ये बनाते हैं कि मुझे लग रहा है कि एम्बर हर्ड का रोल एक्वामैन 2 में ख़त्म कर दिया जाएगा। मूवी में भी कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं मिलने वाला है इसे, वो साफ ट्रेलर से दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 15 से 10 मिनट की स्क्रीन टाइमिंग इसको मिलने वाली, किसको? एम्बर हर्ड को, क्योंकि ट्रेलर में ही 1 सेकंड तक की स्क्रीन टाइम नहीं दी गई बिल्कुल, मैंने बहुत ही स्लो मोशन में देखा तो 1 सेकंड की भी फुल टाइमिंग नहीं दी गई है, मिली सेकंड के लिए बस एम्बर हर्ड को दिखाया गया है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि इसका रोल था या नहीं है, और बहुत लोगों के दिमाग से तो ये उड़ भी चुकी है कि एम्बर हर्ड नाम की कोई एक्ट्रेस भी हमारे इस एक्वामैन की सीरीज में है। मतलब फुल सेफ खेला है जेम्स वॉन जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, एम्बर हर्ड का दिल ना तोड़ने के लिए 1 सेकंड की स्क्रीन भी दे दी, और जनता का दिल ना टूट जाए उसकी मौजूदगी से तो उसे ऐसे दिखाए कि कोई नोटिस भी ना कर पाए, तो जबरदस्त गेम खेला है यहां पर। तो भाई मजा तो आने वाला है। खैर ये चीज आप लोग बताएंगे कि एम्बर हर्ड का रोल यहां से कटने वाला है या नहीं, और ट्रेलर के हिसाब से इसको पूरी मूवी में कितने मिनट की स्क्रीन टाइमिंग मिलने वाली है,
क्या 10 मिनट, क्या 15 मिनट, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर देके जाना। देखते हैं यहाँ पर जॉनी डेप का कौन कौन जबरदस्त फैन है। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।